पागा, वांगो वांगो वांगो। आइए आइए आइए। अच्छा 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 हुआ तुम आ गए। कस्टमर की कंप्लेन हो तो गडा इलेक्ट्रॉनिक से बाघा को आना ही पड़ता है। बाघा भाई आइए आइए। नमस्ते बबीता जी। बाघा भाई वो वॉशिंग मशीन रात को अपने आप से हिल रहा था, अब पता नहीं कि वो हकीकत थी कि भ्रम। भ्रम ही है बबीता जी, वो आपका भ्रम ही है। हाँ जेठालाल भी यही बोला और तुम भी जेठालाल का ही साइड लोगे। नहीं 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 अय्यर भाई, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा क्या कुछ नहीं है, ऐसा ही है। ठीक है जैसी जिसकी सोच। बागा मैं जो भी सोचता हूँ एकदम करेक्ट सोचता हूँ। मैंने तो पहले ही जेठालाल को कहा था कि मेरे को वो तुम संग वॉशिंग मशीन चाहिए, लेकिन उसी ने ये डीपी वॉशिंग मशीन हमको दे दिया जो कि बिना इलेक्ट्रिसिटी के ऐसा हिलता है। अय्यर भाई छोटा मुंह बड़ी बात बोल रहा हूँ, लेकिन कोई भी मशीन इलेक्ट्रिसिटी के बगैर हिले ये बात एक साइंटिस्ट को बताना। बागा अय्यर ये सारी बातें रहने दो ना। बागा भाई अब जरा प्लीज मशीन चेक कर लेंगे। आइए अभी चेक कर लेता हूँ, अभी भ्रम का भ्रम और वास्तविकता की वास्तविकता सामने आ जाएगी। अय्यर भाई अय्यर भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो। अय्यर भाई मैंने पूरा वॉशिंग मशीन चेक किया, एकदम परफेक्ट है, और देखिए फिलहाल तो वॉशिंग मशीन हिल भी नहीं रहा। हाँ तो फिर कल रात को क्या हुआ होगा। भ्रम हुआ होगा। एक काम कीजिए बबीता जी, आप मुझे धोने के लिए कपड़े दे दीजिए, मैं आपको सारे कपड़े धो के दिखाता हूँ, यानी आप दोनों का डाउट एकदम क्लियर हो जाएगा। हो गया। ये देखिए कपड़े साफ भी हो गए और एकदम सूख भी गए। कमाल है मशीन तो एक्चुअली ठीक से काम कर रहा है। ये सब क्या हो रहा है, मेरा को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे लगता है हमने रात को जो भी देखा ना वो हमारा भ्रम ही था। अच्छा बबीता जी अय्यर भाई अब मैं चलूं, अगर दुकान लेट पहुंचा तो सेठ जी को लगेगा कि मैं बावरी जी से मिलने चला गया। बागा भाई आप दुकान जाके जेठा जी को हमारी तरफ से थैंक यू बोल दीजिएगा। पक्का बबीता जी, बाय बाय बाय। अय्यर अब तुम भी ऑफिस जाओ। अरे नहीं नहीं बबीता, ऐसा डेंजर मशीन के साथ मैं तुमको घर में अकेले नहीं छोड़ सकता। अय्यर मशीन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बागा भाई ने चेक किया ना, इट्स ऑल ओके। अरे लेकिन बबीता। अय्यर प्लीज तुम मेरा टेंशन लेना बंद करो और प्लीज अपने ऑफिस जाओ। आर यू श्योर। ऑफ कोर्स। ओके तो मैं ऑफिस जाता हूँ। अभी कौन आया? अरे आप छुट्टी पे हैं अय्यर भाई? अरे मैं छुट्टी पर नहीं हूँ, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, आप लोग एंजॉय कीजिए। बबीता बाय बाय बाय। चलो पार्टी शुरू करते हैं। एक्सीलेंट आइडिया, आप सब लोग बैठिए, मैं अभी नाश्ता लेके आती हूँ। नाश्ता वाश्ता बाद में करते, पिल्ले चल के आपकी नवी वॉशिंग मशीन देखते। ओह ओके। मैं तो कब से तरस रही हूँ देखने के लिए, पहले वही देखते चलो। ओके वाव वाव मस्त से बबीता जी, बस क्लास एकदम छान। बस अभी एक बात तय हो गई, मैं भी तारक से कहूंगी, मुझे भी लेना है, पर लगता है इसे देखकर ही खुश होना पड़ेगा। क्यों क्यों का है, इनका साधे नए इस्त्री का बजट नहीं है और मशीन तो कितना महंगा होगा, मुझे नहीं लगता ये मानेंगे। कौन परी माधवी भाभी, हम मेरे भाई को मना लेंगे। बबीता जी आपने बारिश के मौसम में ये वॉशिंग मशीन लेके बहुत अच्छा काम किया। ये मशीन कपड़े तो धोएगा ही, बट मोस्ट इम्पोर्टेंट कपड़े सुखाएगा। हाँ बारिश के दिनों में ना यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, दो तीन दिन तक कपड़े सूखते ही नहीं है। अरे कर
कोई बात नहीं, आप सब लोग अपने अपने कपड़े लाना और मेरी इस वॉशिंग मशीन में सुखा के जाना। पता है क्या, ये मशीन ना पानी और इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ही कम इस्तेमाल करता है। वाह, सबसे अच्छी बात तो ये है कि कपड़े धोने के बाद भी ना कपड़ों का रंग वैसा का वैसा ही रहता है। वाह, क्या बात है, मल्टीटास्क कर रही है। किंतु ना एक प्रॉब्लम आ चुकी है। उड़ी बाबा, की प्रॉब्लम? वो पता नहीं कैसे, पर कल रात को ये मशीन बिना इलेक्ट्रिसिटी का हिल रहा था। बबीता, बबीता, हमको डराने की बहुत अच्छी कोशिश किया। बबीता, तुम मजाक कर रही हो ना? नहीं नहीं, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। ये मशीन हिल रहा था, पर बागा भाई ने आके चेक तो किया, पर इसमें से कोई प्रॉब्लम नहीं निकली। जेठा जी ने सच ही कहा था, शायद ही मेरा भ्रम हो। हाँ, कैसे हिलेगा ड्रम, नक्की होगा आपका भ्रम। पता नहीं, शायद ही मेरा भ्रम ही हो। एनीवेज, हम लोग यहीं पे खड़े खड़े बातें करेंगे, किसी से नाश्ता भी करेंगे। स्पेशल राजभोग। और पविता जी, राजभोग ये तो मेरी फेवरेट बंगाली स्वीट है। गुड, आज तो डाइट प्लान से छुट्टी, मैं सब खाऊंगी। अरे वाह, क्या बात है। बबीता जी, आपने कितना सारा बनाया है। मेरा तो सब कुछ फेवरेट है, खास करके गार्लिक ब्रेड और पिज्जा। नाचोस एंड साल्सा, मजा आएगा। स्प्रिंग रोल है, मंचूरियन है, चिवड़ा है। बबीता जी, थैंक यू सो मच। अरे, यू मोस्ट वेलकम। अरे, हम लोग किसके लिए वेट कर रहे हैं, चलो शुरू करते हैं। मस्त है, लवली। आप लोगों को ये आवाज सुनाई दी? कौन सी आवाज? सुनो, ध्यान से सुनो, आंखें बंद करके कान खोल के सुनो। हाँ, आवाज तो कहीं से आ रही है, पर कहाँ से आ रही है? हाँ, अरे ये आवाज तो कल रात को भी आ रही थी, मतलब वो मशीन फिर से हिल रहा है। मशीन, चलो हम लोग देखते हैं। हाँ, चलो चलो जाइए। सो एम के हम थक सके जाइए। मशीन तो सच में हिल रहा है। अरे कर स्विच पे ऑफ है। मैंने कहा था ना, ये मशीन बिना इलेक्ट्रिसिटी का हिलता है। ओह गॉड जी, आई बट स्विच चले छे। मुझे लगता है किसी ने मशीन पे जादू टोना किया है। मशीन पे? हाँ। बबीता जी, आप सही कह रहे थे, मतलब हमें लग रहा था ये भ्रम है, लेकिन ये भ्रम नहीं है, ये तो सच में हो रहा है। बापरे, ऐसे अपने आप हिलने डुलने वाली मशीन मुझे लाइफ में नहीं लेनी बाबा। हाँ, कहीं इसमें बुद्ध तो नहीं है ना? और ये तो हमारी तरफ आ रहा है। देखो, यहाँ पे रहना खतरनाक है, चलो भागते हैं। चलो चलो। मैं अय्यर को भी फोन करती हूँ। हेलो। हाय अय्यर, वो मशीन कल रात की तरह फिर से हिलने लगा है। बबीता, आर यू ओके? हाँ, मैं तो ठीक हूँ, यहाँ पे सब कुछ ठीक है। एक्चुअली हम सब लोग घर में पार्टी कर रहे थे कि अचानक से वो मशीन हिलने लगी, तो हम तो डर के मारे नीचे आके खड़े हो गए। अरे ये तो खुद जेठालाल की वजह से हुआ है, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। अय्यर, वो सब छोड़ो, प्लीज तुम जल्दी से घर पे आ जाओ, मैं भी जेठा जी को फोन करती हूँ। डोंट वरी, आई एम कमिंग। हाँ ओके, ठीक है, मैं जेठा जी को भी फोन कर देती हूँ। बोलिए बोलिए बबीता जी, सब ठीक? भगाने चेक कर लेना मशीन। जेठा जी, आप प्लीज जल्दी से घर पे आ जाइए। क्यों, क्या हुआ? वो मशीन फिर से हिल रहा है। लेकिन भगन ने तो चेक किया ना। हाँ, वही तो समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज जरा जल्दी से घर पे आ जाइए। नहीं नहीं, आप करिए नहीं बबीता जी, मैं बस अभी आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ। ओके ठीक है, थैंक यू सो मच। जेठा जी और अय्यर दोनों आ रहे घर पे। अरे क्या हुआ, क्या हुआ आई? आप लोग सब इतने डरे हुए क्यों हो? अरे बाबा, वो बबीता जी के घर वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन? वॉशिंग मशीन का क्या? मम्मी अब बताओ। हाँ।
बबीता के घर में वॉशिंग मशीन वो। अरे लेकिन बबीता आंटी के घर पे वॉशिंग मशीन का क्या? अंजलि आंटी आप ही बता दीजिए। बबीता जी का जो नया डीपी वॉशिंग मशीन है ना वो। अरे भाई मशीन क्या, कोई तो बताओ। मशीन हिल रहा है। अरे लेकिन वॉशिंग मशीन को चालू करोगे तो वो हिलेगा तो सही। अरे टप्पू वो मशीन बिना इलेक्ट्रिसिटी का हिल रहा है। ओए कुछ भी ऐसे कैसे हो सकता है? तेरे, ओए ये तो जादू हो गया। मैं भी यही कह रही थी। मुझे अभी भी लग रहा है भूत है। नहीं नहीं चलो फ्रेंड्स जाके देखते हैं। चल चलो चलो मजा आ जाएगा। जादू मिलेगा। अरे वाह नाश्ता ऑलरेडी रेडी पड़ा है। खबरदार जो तूने नाश्ते को हाथ लगाया तो। अरे पहले वॉशिंग मशीन देखना है। ये मशीन तो हिल नहीं रहा है। हाँ आई तो कह रहे थे कि मशीन बिजली के बिना ही हिल रहा है। हाँ हाँ लेकिन मशीन तो हिल ही नहीं रहा। चलो इतना भाग गया है फिर भी हिलता हुआ मशीन देखना ही नहीं मिला। फ्रेंड सुनो ना, मैं इतना दौड़ के आया है थक गया है ना, नाश्ता पड़ा है तो कर लेते हैं ना यार। बोली ठीक है बाबा तू कर नाश्ता, डब्बू हम बालकनी में जाके सबको बता देते हैं कि वॉशिंग मशीन तो हिल ही नहीं रहा है। अरे यार ऐसा थोड़ी ना होता है। अरे सुनिए वॉशिंग मशीन बिल्कुल भी नहीं हिल रहा। हाँ सच में वॉशिंग मशीन जरा सा भी नहीं हिला। एकदम स्टैचू बनकर खड़ा है। हाँ कोई मूवमेंट ही नहीं है। अरे तुम लोग ठीक तरह से देखो वो मशीन जोर जोर से हिल रहा था। नहीं नहीं बबीता आंटी हमने ठीक से देखा है, वॉशिंग मशीन बिल्कुल भी नहीं हिल रहा था। क्या? अरे गोली कहाँ है? वो अंदर। वाह वाह वाह। मेरी बात मानिए, किसी को डरने की जरूरत नहीं है, आप सब ऊपर आ जाइए। टप्पू वॉशिंग मशीन हिल रहा है यार। क्या? वॉशिंग मशीन जोर जोर से हिल रहा है। चलो फ्रेंड्स सब जाके देखते हैं। बच्चे लोग तुम लोग अभी अंदर मत जाओ। मम्मी फिकर नॉट, प्लीज नीचे आ जाओ। चलो प्लीज देखो टप्पू से ना वो मशीन अटैक भी कर सकती है, प्लीज नीचे आ जाओ। अरे नहीं नहीं आप सब लोग नीचे आ जाओ बराबर। अरे आई डोंट वरी। हाँ आप सब टेंशन मत लीजिए, हम सब साथ में ही, हमें कुछ नहीं होगा। हाँ कुछ नहीं होगा। टप्पू से ना मशीन देखते ही सीधे नीचे उतरो और मेरे घर पे आ जाओ, हम सब वही है ठीक है? हाँ ठीक है मैं आके। चलो 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 चलो। टप्पू वो देख स्विच बंद है फिर भी हिल रहा है। तेरे कैसे हो रहा है ये? अच्छा एक काम करता हूँ मैं इसका वीडियो निकालता हूँ। यार ये अजीब है, कुछ मैं बता रहा हूँ। ओए टप्पू ये मशीन देखकर मैंने लग रहा है कि इसमें कोई भूत है। अरे तू क्या बोल रहा है? होगी तू हर बात में भूतों के बीच में लाता है भाई। क्योंकि पिंकू भूत कभी भी कहीं भी जा सकते हैं। नहीं 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 प्लीज ऐसे मत बोलो भीमू।
मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे सोनू भूत-भूत जैसा कुछ नहीं होता, आ जा हम लोग है ना यहाँ पर, कुछ नहीं होगा। हाँ हाँ तू आके, तू डर मत, हम लोग है, हम लोग है ना यहाँ पर। चुप रह, चुप रह। ये तो अपनी तरफ आ रहा है। और ऐसा मेरी लाइफ में मैंने पहली बार देखा है। गोली सिर्फ तूने ही नहीं, यहाँ खड़े हुए सभी लोग ने अपनी लाइफ में पहली बार ऐसा मशीन देखा है। और मैंने उस वॉशिंग मशीन का वीडियो भी लिया है, तो क्या मैं आपको दिखाता हूँ? अरे नहीं ना, नहीं ना, प्लीज टप्पू प्लीज, मुझे बहुत डर लग रहा है। ठीक है ठीक है, नहीं दिखा। अपने आप कोई मशीन कैसे है सकता है? वही तो हमारी समझ में नहीं आ रहा है। मुझे अब भी लग रहा है इसने मशीन पे जादू टोना किया है। हाँ, हो सकता है मशीन में भूत रहता हो। दीदी मशीन में भूत क्यों रहेगा, और इलेक्ट्रॉनिक चीजों में कभी भूत नहीं रहते। आजकल के तो भूत भी मॉडर्न हो गए, वो इलेक्ट्रॉनिक चीजों में भी रहते हैं। ओए मैंने एक पिक्चर देखी थी, उसमें तो टीवी में भी भूत रहता था। यार भूत कहीं भी जा सकते है, कहीं भी रह सकते। मतलब मेरी मशीन में भूत होगा? वॉशिंग मशीन में भूत हो या और कुछ भी हो, वो वॉशिंग मशीन क्या हिल रहा था करके एकदम मेरे तरफ आ रहा था वो। गुली ये क्या कर रहा है तू? हम सब यहाँ वैसे ही बहुत डरे हुए हैं और तुझे खेल लग रहा है। गोली टिकरा, वैसे बबीता इतना डरी हुई है और तुम लोग ऐसा सब करोगे तो उसको अपने घर में जाने में डर लगेगा। डर तो लगेगा ही ना, कल रात को ये मशीन एग्जैक्टली इसी तरह से हिल रहा था। तब जीजा जी ने कहा कि ये हमारा भ्रम है, तो मुझे भी लगा कि हाँ शायद हो सकता है कि ये हमारा भ्रम है, पर अब तो ये सच है ना, आप सब लोगों ने देखा ना। आपको लगता है कि अभी भी मेरा भ्रम है? नो नो बबीता, ये भ्रम नहीं है। तो कैसे हो सकता है, हम सब ने देखा है। हाँ। और वो भी अपनी आंखों से। हाँ। ये सब क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ओहो, अभी तक तो सिर्फ अय्यर और बबीता जी ने इस वॉशिंग मशीन को हिलते हुए देखा, लेकिन अब तो गोकुलधाम की महिलाओं और टप्पू सेना ने भी इस वॉशिंग मशीन का खतरनाक रूप देख लिया है, और टप्पू ने तो उसका वीडियो भी बना लिया। आखिर क्यों हिल रही है वॉशिंग मशीन? आप इस प्रश्न के जवाब को सोचने में चिंता मत कीजिए, परेशान मत होइए, आप तो फंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए। लेकिन आखिरकार क्यों हिल रही है मशीन, ये सवाल तो मेरे दिमाग में भी उमड़ उमड़ रहा है। अब क्या होगा जब अय्यर और जेठाल का आमना सामना होगा, और अय्यर इस गड़बड़ वॉशिंग मशीन के लिए जेठाल के खिलाफ क्या क्या एक्शन लेगा, और क्या होगा जब जेठालाल इस हिलती हुई वॉशिंग मशीन का वीडियो देखेगा? सारे लोग बड़े भयभीत हैं, लेकिन इस भय के वातावरण से भी हंसी निकलेगी जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। बस देखते रहिए, हंसते रहिए। क्यों हिल रही है वॉशिंग मशीन? For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.